आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास का अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब हम आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानें। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इसे हम परमाणु द्रव्यमान इकाई यू द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। चलिए हम जल H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। जल हाइड्रोजन H एवं ऑक्सीजन O के परमाणुओं से बनता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1U तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16U। अतः जल जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास होगा 2×1 तथा 1×16 का योग, यानी 18U। अब क्या आप सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास याद कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98U है। जब पदार्थ के संघटक आयन होते हैं तो हम आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास की जगह उसका सूत्र द्रव्यमान इकाई फॉर्मूला यूनिट मास ज्ञात करते हैं। किसी पदार्थ का सूत्र द्रव्यमान इकाई फॉर्मूला यूनिट मास उसके सभी संघटक आयनों के द्रव्यमानों का योग होता है। उदाहरणतः जिंक ऑक्साइड ZNO अणु में एक जिंक आयन Zn2+ एवं एक ऑक्साइड आयन O2- विद्यमान होता है। इसलिए हम जिंक ऑक्साइड का सूत्र द्रव्यमान इकाई फॉर्मूला यूनिट मास इस तरह से एक जिंक एवं एक ऑक्साइड आयन के द्रव्यमानों का योग करके ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 का सूत्र द्रव्यमान इकाई ज्ञात कर सकते हैं? वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढें। शाबाश दोस्तों, आपने इसका उत्तर बिल्कुल सही ढूंढा है। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र द्रव्यमान इकाई 138U है। आइए अब हम मोल संकल्पना मोल कॉन्सेप्ट पर चर्चा करें। आप सोच रहे होंगे कि मोल क्या है। किसी स्पीशीज परमाणु अणु आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वो संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022×10³³ होती है। इसको अवोग्राडो स्थिरांक, अवोग्राडो कांस्टेंट अथवा अवोग्राडो संख्या, अवोग्राडो नंबर कहते हैं, जिसे N0 से निरूपित करते हैं। जैसे किसी वस्तु का एक दर्जन उसकी 12 नगों के बराबर है, ठीक उसी तरह किसी पदार्थ का एक मोल उसके 6.022×10³³ संख्या के बराबर है। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रुस की तुलना में इसका एक लाभ है। किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित रहता है।
किसी पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई यू में प्रदान करता है। ठीक उसी तरह किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान, मोलर मास कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान का मान ही है, परंतु इस इकाई में हम यू की जगह ग्राम जी का प्रयोग करते हैं। परमाणु के मोलर द्रव्यमान, मोलर मास को हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। आइए इसे और विस्तार में कुछ उदाहरणों द्वारा समझे। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 यू होता है, अतः ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम होगा। 16 यू ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके एक मोल परमाणु यानी 6.022 × 10³³ ऑक्सीजन परमाणु होंगे। रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से करते हैं। आइए अब हम मोलर द्रव्यमान पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखें। आइए पहले देखें कि हम द्रव्यमान से मोल की संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास 46 ग्राम सोडियम है, तो ये कितने मोल सोडियम के बराबर होगा? मान लीजिए मोलों की संख्या n है, दिया गया द्रव्यमान m है, तथा मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है। अब हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यू है। इसका मतलब सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम होगा। अतः मोलों की संख्या को हम इस तरह से दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग करके ज्ञात कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 46 ग्राम सोडियम में 2 मोल सोडियम होंगे। अब आइए देखें, यदि हमें परमाणुओं की संख्या दी हो तो हम उससे मोल की संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 18.066 × 10³³ हीलियम परमाणु कितने मोल के बराबर होंगे? मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम दिए गए कणों की संख्या को अवोग्राडो संख्या से भाग करेंगे। इस तरह 18.066 × 10³³ हीलियम कण 3 मोलों के बराबर हैं। अब हम देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में हम द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम अणु अथवा परमाणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना सीखेंगे। आइए देखें 4 मोल अल्यूमिनियम परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। ये ज्ञात करने के लिए हम अल्यूमिनियम परमाणु के मोलर द्रव्यमान को मोलों की संख्या से गुणा करेंगे। इस तरह 4 मोल अल्यूमिनियम परमाणुओं का द्रव्यमान 108 ग्राम है। अब हम परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना सीखेंगे। 12.044 × 10³³ नाइट्रोजन गैस N2 अणुओं का कितना द्रव्यमान होगा? ये ज्ञात करने के लिए प्रथम हम दिए गए कणों की संख्या से मोल की संख्या प्राप्त करेंगे। 12.044 × 10³³ नाइट्रोजन गैस N2 अणु 2 मोल नाइट्रोजन गैस के बराबर हैं। तत्पश्चात हम द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए पिछले उदाहरण में सीखी प्रक्रिया द्वारा
मोलों की संख्या को नाइट्रोजन गैस N2 के मोलर द्रव्यमान से गुणा करेंगे। इस तरह 12.044 गुणा 10 का घात 23 नाइट्रोजन गैस N2 अणुओं का द्रव्यमान 56 ग्राम है। आज के अभ्यास द्वारा हम अभी सीखे विभिन्न तरहों के प्रश्नों को सरलता से हल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया।